हेलो फ्रेंड्स, आजकल स्मार्टफोन कंपनीज हर महीने बहुत स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है और बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदे। इस वीडियो में आपकी ये परेशानी दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। इन फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 695 जैसा अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 67 वाट का फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स वाले फोन आपको इनमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट का पहला स्मार्टफोन है Vivo T15। इसके बिल्ड में आपको प्लास्टिक फ्रेम एंड बैक दिया हुआ है और ये फोन 8.2 mm थिकनेस के साथ आता है और ये फोन का वेट आपको 187 ग्राम्स का दिया हुआ है और इसके डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले दी है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इस फोन में आपको प्रोटेक्शन मेंशन नहीं किया है। इसके सॉफ्टवेयर में आपको एंड्रॉइड 12 दिया हुआ है जो कि अच्छी बात है विद फन टच OS। प्रोसेसर में आपको स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G प्रोसेसर दिया हुआ है और इसमें आप 4GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं और कूलिंग के लिए इस फोन में आपको 5-layer लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है जो कि अच्छी बात है और इस फोन में आपको सिर्फ 2 5G बैंड का सपोर्ट दिया हुआ है और गेमिंग में आप इस फोन में अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। इसके कैमरा में आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी हुई है और बैक साइड में आप ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है विद ड्यूल LED फ्लैश और इसके वीडियो सपोर्ट में आपको फ्रंट और बैक कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियोस को शूट कर सकते हैं और इस फोन में बैटरी में आपको 5000mAh की बैटरी दी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है और इसके साउंड में आपको लाउड स्पीकर्स और 3.5mm जैक भी दिया हुआ है। स्टोरेज और मेमोरी की बात करेंगे, इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है और इसके साथ आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है और सेंसर्स में आपको इस फोन में साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और बाकी सारे सेंसर्स इस फोन में आपको दिए हुए हैं और कम्युनिकेशन में आपको ड्यूल वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS जैसे बाकी सारे फीचर दिए हुए हैं। अगला फोन है मोटो G71। इसके बिल्ड में आपको प्लास्टिक फ्रेम और बैक दिया हुआ है और यह फोन 8.4mm थिक और 179 ग्राम्स का आता है और यह फोन IP52 रेटिंग के साथ भी आता है और इसके डिस्प्ले में आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है और ये डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज की है और इसमें आपको प्रोटेक्शन कौन सा मोटोरोला ने दिया है ये उसने बताया भी नहीं है। इसके सॉफ्टवेयर में आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड 11 दिया हुआ है विद थिक शील्ड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी बाय मोटोरोला जो कि एक अच्छी बात है। प्रोसेसर में आपको स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G प्रोसेसर दिया हुआ है और इसमें आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ आपको इसमें 13 5G बैंड्स दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और इसमें आप 2GB तक रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसके बैटरी में आपको 5000mAh की बैटरी दी हुई है और चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मोटोरोला ने इसमें आपको दिया है। कैमरे में आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी है और बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है विद LED फ्लैश और वीडियो में आपको फ्रंट और बैक कैमरे से आप 1080p 30fps तक वीडियोस को शूट कर सकते हैं और इसी के साथ आपको इसमें ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि अच्छी बात है। मेमोरी और स्टोरेज में आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है और उसी के साथ आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप इसमें देखने को मिलता है और साउंड में इसमें आपको लाउड स्पीकर्स दिए हैं विद डॉल्बी आइटम सपोर्ट जो कि अच्छे लाउड है और इसमें आपको म्यूजिक सुनने में मजा आएगा और इसी के साथ आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी इसमें देखने को मिलता है और सेंसर्स में आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और साथ में आपको जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स इसमें दिए हुए हैं और कनेक्टिविटी में आपको ड्यूल वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS जैसे फीचर्स में आपको देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन है और ये एक ऑलराउंड स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में जो कि पोको X4 Pro 5G। इसमें आपको ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम दिया हुआ है और ये फोन 8.1mm थिक और 205 ग्राम का आता है और इसमें आपको IP53 रेटिंग की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट दी हुई है और इसके डिस्प्ले में आपको 6.6 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले दी हुई है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो कि इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी फोन में देखने को नहीं मिलती है और ये फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है और ये
अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है और इसके कलर्स भी आपको ब्राइट और पंची देखने को मिलते हैं। प्रोसेसर में आपको इसमें भी स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर दिया हुआ है और इसमें भी आप अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है और इसमें भी आपको सिर्फ 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। और सॉफ्टवेयर में आपको इसमें एंड्रॉइड 12 दिया हुआ है विद MIUI 30। और बैटरी की तरफ बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए 67 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है। और कैमरे में आपको सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी हुई है और बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर विद LED फ्लैश। और रिकॉर्डिंग में आप इसमें फ्रंट और बैक कैमरे से 1080p 30fps तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें आपको ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और स्टोरेज में आपको इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप 1TB तक इसमें मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और स्टोरेज टाइप में इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया हुआ है। और स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं विद डॉल्बी एटम सपोर्ट जो कि एक अच्छी बात है और उसी के साथ आपको 3.5 ऑडियो जैक भी इसमें देखने को मिलता है। सेंसर्स की बात करें इसमें आपको साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। कनेक्टिविटी में आपको ड्यूल वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS जैसे सारे फीचर इसमें आपको दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।